उत्पत्ति अध्याय 35। उत्पत्ति अध्याय 35। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब में से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराय देता है उन्हें निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाए, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली थी, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दे दिया, और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। सो याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने वाली गाय दबोरा मर गई, और बेतेल के नीचे सिंदूर के वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई, और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कुत रखा गया। फिर याकूब के पद्नराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी, और परमेश्वर ने उसे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। सो उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूं, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ा, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया, और जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्म देने की बड़ी पीड़ा होने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने एक बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यो राहेल मर गई, और एप्राता अर्थात बेथलहेम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वही खंभा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया, और एदेर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात
याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबुलून, और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन, और राहेल की लौंडी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली, और लिया की लौंडी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उसने पदनराम में उत्पन्न हुए, और याकूब ममरे में, जो करियत अरबा अर्थात हेब्रोन है, जहां इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की अवस्था 180 बरस की हुई, और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी।